नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ सलोनी शर्मा। कोटद्वार में अवैध अतिक्रमण किए जाने को लेकर उपजिलाधिकारी ने विभागों को 3 दिनों का के अंदर अवैध अतिक्रमणकारियों की लिस्ट देने के निर्देश दिए हैं, जिससे अतिक्रमणकारियों से सरकारी भूमि खाली कराई जा सके। बता दें कि मुख्यमंत्री के सख्त आदेश हैं कि सभी विभाग अपनी अपनी भूमि का डाटा तैयार कर जल्द से जल्द उपजिलाधिकारी के कार्यालय में दिया जाए, जिसे सरकारी भूमि को खाली करवाया जा सके। वहीं उप जिलाधिकारी प्रमोद कुमार का कहना है कि अवैध अतिक्रमण के लिए विभागों को लेटर जारी कर दिया गया है। आबकारी विभाग की टीम ने मनसा देवी क्षेत्र में छापेमारी कर 3 घरों से 90 लीटर कच्ची शराब बरामद की है। शराब की अवैध बिक्री करने के आरोप में आबकारी विभाग की टीम ने 3 महिलाओं को भी गिरफ्तार किया है, जिनके खिलाफ शराब की अवैध बिक्री करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें कि आज मुखबिर ने आबकारी विभाग की इंस्पेक्टर प्रेरणा बिस्ट को सूचना दी कि मनसा देवी क्षेत्र में लगातार कच्ची शराब बनाने और बेचने का धंधा फल फूल रहा है। सूचना के आधार पर इंस्पेक्टर प्रेरणा बिस्ट अपनी पूरी टीम के साथ संबंधित ठिकानों पर मनसा देवी में छापेमारी करने पहुंची। इस दौरान अलग अलग 3 घरों में आबकारी विभाग की टीम ने छापेमारी की। मौके पर आबकारी विभाग की टीम को 3 घरों से 90 लीटर कच्ची शराब बरामद हुई। आबकारी विभाग ने कच्चे शराब की अवैध बिक्री करने के आरोप में 3 महिलाओं को गिरफ्तार भी किया है। वहीं पौड़ी में बेटी को दूसरे समुदाय में शादी के मुद्दे पर पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम को घेरने गौरक्षा बजरंग फोर्स उनके कार्यालय में धमक गए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम ने अपनी बेटी की शादी तथाकथित नहीं की तो वह तंबू उखाड़ने 26 मई को ही पौड़ी पहुँच जाएंगे। गौरतलब है कि पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम की बेटी की शादी दूसरे समुदाय के युवक के साथ 27-28 मई को प्रस्तावित है, जिसके कार्ड सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं। भाग कर और अपना तंबू उखाड़ के भाग ले जा, पाकिस्तान चला जा, लेकिन हमारी उत्तराखंड भूमि को, हमारे यहाँ के भोले वाले लोगों को ज्यादा बरगलाने की कोशिश मत कर। ये देव भूमि है, इनको पूछते हैं हम, यहाँ के उत्तराखंड वासी को पूछते हैं, हम मानते हैं, कितने प्यार से बोलते हैं यहाँ के लोग, क्या संस्कृति है यहाँ के लोगों की, हम भी उनसे सीखते हैं। और तू संस्कृति खराब करेगा अपनी बच्ची को देकर। वहीं लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र अंतर्गत 24 मई को होने वाली G20 के कार्यक्रम को लेकर पुलिस ने सुरक्षा की दृष्टि से पूरे क्षेत्र को 5 जोन और 12 सेक्टर में विभाजित कर दिया है। जोन और सेक्टर की जिम्मेदारी 5 SP और 8 CO को सौंपी गई है। बता दें कि SSP श्वेता चौबे G20 के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था जांचने के लिए लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र पहुंची। उन्होंने कार्यक्रम स्थल का गहनता से निरीक्षण किया, अधिकारियों से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर फीडबैक भी लिया। SSP ने बताया कि सुरक्षा में किसी भी प्रकार की चूक ना हो, इसके लिए 23 मई को कार्यक्रम स्थल के पास पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की रिहर्सल करेगी। 24 मई को कार्यक्रम के दिन दोपहर 1 बजे से रात 10:30 बजे तक पूरा क्षेत्र 0 जोन में रहेगा। वहीं एम्स रोड पर बनी 2 करोड़ की सड़क में गड्ढा होना और इंटरलॉकिंग टाइल्स पर डामीकरण करने पर कांग्रेसी लोक निर्माण विभाग के खिलाफ भड़क गए हैं। कांग्रेसियों ने रेलवे स्टेशन के निकट लोक निर्माण विभाग के कार्यालय पर ढोल नगाड़े बजाकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और ठेकेदारों पर कार्रवाई करने की मांग भी की।
लंबे समय से लच्छीवाले के जंगल में रहने वाले लोगों को हटाने की मुहिम वन विभाग ने लच्छीवाला में शुरू कर दी है। पूर्व में अतिक्रमण कर सरकार की वन भूमि में अवैध रूप से रह रहे वन गुजरों को चिन्हित कर वन विभाग ने पहले इन्हें वन भूमि को खाली करने के नोटिस दिए थे, जिसके बाद अब वन विभाग ने टीम बनाकर उपवन क्षेत्राधिकारी कन्हैया लाल नौटियाल के नेतृत्व में लच्छीवाला वन क्षेत्र के मणिमाई मंदिर के आसपास जंगलों में रह रहे गुजरों के परिवार के 5 डेरों पर कार्रवाई करते हुए वन विभाग की टीम ने इनके अवैध डेरों को तोड़ने की कार्रवाई की। मैं कन्हैया लाल नौटियाल, डिप्टी रेंजर लच्छीवाला, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। अभी ये जो पार्क जो विस्थापन वाले गुजर हैं, ये 4-5 डेरे थे, इधर 4-5 डेरे थे, ये जिनको गंडी खाता पथरी विस्थापन किया गया था, और उन्होंने जो है वहाँ जमीन छोड़ करके यहाँ जंगल में नाले खालों में वो रह रहे थे। हमारा नाम मोहम्मद आलम है। कब से रह रहे हैं यहाँ पे? हम तो बचपन से यहाँ पे, हमारी पैदाइशी यहीं की, हमारे माए बापों की पैदाइशी यहीं की है। पट्टे हम जी ना, हमारे पास कोई पट्टे नहीं है, हमारे भाई यहीं की बार रसीद परमिट ही है, हम परमिट शुदा। जो नए लोग आके रह जाते हैं तो इनसे आपको भी दिक्कत होती है? ये अवैध लोग है साहब, अब तो दिक्कत ही है, पहले तो इन्होंने साल 2 साल जैसे भी निकाली, अब तो सारी दिक्कत ही है। अब तो हम यही कह रहे हैं हाथ जोड़ के कि ये अपनी जगह में चले जाए, अपनी जमीन में चले जाए। इन लोगों को मिले हुए हैं ना जगह? इनको जगह मिली हुई है, पर गैनी खाता पथरी में मिली हुई है। वहीं सितारगंज में कच्ची झोपड़ियों में अचानक आग लग गई। आग ने पड़ोस के मकान को भी अपनी चपेट में ले लिया। मकान के भीतर 3 बच्चे और बकरियां फंस गई थीं। इसी बीच सिलेंडर में भी आग लग गई। बच्चों परिजनों के चिल्लाने की आवाज पर फायर कर्मियों ने मकान के पीछे की दीवार तोड़कर उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला, तब जाकर मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली। SDM तुषार सैनी, तहसीलदार जगमोहन त्रिपाठी ने अग्नि हादसे का निरीक्षण कर 9 प्रभावितों को तत्काल आर्थिक सहायता के लिए 5,000 की धनराशि प्रदान की है। ग्राम पंडरी में 9 परिवारों के झोपड़ियों में हवा के साथ दूर से आई चिंगारी से अग्निकांड होने के कारण इनकी खाद्य सामग्री, कपड़े, बर्तन आदि जल गए थे। इनको जिसका जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी निरीक्षण किया गया, अग्निशमन द्वारा और स्थानीय पुलिस द्वारा भी, और इसमें अभी मेरे द्वारा इनको 5,000 रुपये की अहेतुक सहायता से कुल टोटल 9 परिवारों को 45,000 रुपये वितरण कर दिया गया। वहीं देहरादून में जून से फील्ड में नौकरशाह उतरेंगे। प्रभारी सचिव की व्यवस्था खत्म करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। मुख्य सचिव ने प्रस्ताव को मंजूरी दी है। जून महीने से सचिव पहाड़ चढ़ते हुए नजर आएंगे। ऋषिकेश में रेलवे रोड पर गुरुद्वारा सिंह सभा के निकट अचानक PWD विभाग के रोलर के ब्रेक फेल हो गए। ब्रेक फेल होते ही रोलर ढलान पर ब्रेक बैक होकर दौड़ने लगा। अनियंत्रित होकर रोलर एक घर में जा घुसा। इस दौरान घर के बाहर बैठी मकान मालकिन की मां और भाई की जान बाल बाल बच गई। नजारा देख लोगों की भीड़ घटना स्थल पर एकत्रित हो गई। घर का नुकसान होने पर मकान मालकिन भी गुस्से में नजर आई। मौके पर रोलर का ड्राइवर फरार हो गया। कुछ देर बाद PWD विभाग के सहायक अभियंता राजेश चौहान और कनिष्ठ अभियंता राहुल कुमार पहुंचे। उन्होंने घटना की बारीकी से निरीक्षण किया। मकान मालकिन को भरोसा दिया कि उनके मकान का जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई PWD विभाग करेगा, जिसके बाद मकान मालकिन का गुस्सा शांत हुआ। मेरी माँ बूढ़ी बाहर बैठी रहती है, मेरा भाई भी दोनों मंदिर से बच गए और इलाका रुक गया। कैसे आया लड़ाई पे? कैसे आया लड़ाई पे? चढ़ के गया, ढलान से आया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। G20 जैसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी के लिए ऋषिकेश से सटे टिहरी जिले के नरेंद्रनगर ब्लॉक का औणी गांव पूरी तरह से तैयार है। इस सम्मेलन से गांव की दिशा और दशा बदल चुकी है। एक और जहां गांव में अवस्थापना विकास के कार्य किए गए हैं, वहीं ग्रामीणों की आजीविका
संवर्धन के लिए भी शासन प्रशासन ने योजना शुरू की है। गांव के पंचायत घर, बेसिक, जूनियर और हाई स्कूल भवनों का हाईटेक बना दिया गया है। वन विभाग गांव में म्यूजियम तैयार करने की कवायद में जुट गई है। सम्मेलन में देश विदेश के मेहमानों को पहाड़ी संस्कृति, पकवान, पहाड़ी शैली के घरों का दीदार कराया जाएगा। G20 सम्मेलन से ओणी गांव की अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनेगी। मई और जून महीने में टिहरी के ओणी गांव में G20 की 2 बैठक की जाएगी। मई माह में 26 से 28 मई तक G20 की पहली बैठक होनी है। अच्छा, आपका गांव ओणी गांव पहले कैसा था और अब कैसा है? पहले सर काफ़ी सारी परेशानियां थी, जैसे पानी की दिक्कत है, साफ़ सफाई नहीं थी, गांव में बोतलें पड़ी रहती थी प्लास्टिक की भी, बहुत सारी परेशानियां होती है, पानी सब सफाई से नहीं आता था, लेकिन अब काफ़ी डेवलप हो गया है। हमारे जो 4 ग्रुप बनाए गए हैं, उन 4 ग्रुप में से एक जो है जहाँ बैठे हुए हैं पंचायत घर, ये सी ग्रुप में है, जहाँ पे हमें लाइव करके जो है दिखाना है ग्राम सभा की बैठकें कैसे होती हैं, ताकि लोग जो हमारे डेलीगेट्स महोदय लोग आ रहे हैं वो लोग जाने कि यहाँ ग्राम सभा ग्राम पंचायत की बैठक में होता कैसे है, क्या क्वेश्चन पूछते हैं, कैसे होते हैं, तो वो सब डिटेल उसके बारे में जो है हमने आज उसी के परिप्रेक्ष्य में जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर, मुख्य विकास अधिकारी महोदय के निर्देश, हमने यहाँ एक रिहर्सल किया था। इस कार्य की वजह से हमारे यहाँ पर जो अभी तक युवा पीढ़ी जो पलायन कर रही थी, रोजगार की तलाश में इधर उधर भाग रहे थे, वो लोग भी अब आकर्षित हो रहे हैं, गांव की तरफ आ रहे हैं, गांव में आ रहे हैं और यहां पर अपना रोजगार का शुरू करने का सोच रहे हैं। किसी ने दुग्ध उत्पादन का काम शुरू कर दिया है, कोई अभी होम स्टे वगैरह बन रहे हैं, 2-3 होम स्टे का काम शुरू कर रहे हैं और कुछ यहाँ पर 1-2 होटल भी बन रहे हैं जो बाहर से आ रहे हैं, तो हो सकता है यहाँ पर रोजगार उन लोगों को मिलेगा। वहीं कोटद्वार में दुगड़ा फतेहपुर के बीच एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक खाई में गिर गया, जिसमें उसका संचालक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार दुगड़ा बैरियर पर एक व्यक्ति द्वारा दुगड़ा से लगभग 2 किलोमीटर आगे पौड़ी रोड पर एक ट्रक के गहरी खाई में गिरने की सूचना पुलिस को दी गई, जिस पर दुगड़ा चौकी प्रभारी पुलिस टीम के राहत और बचाव उपकरणों के साथ मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करते हुए स्थानीय लोगों की सहायता से दुर्घटनास्थल ट्रक में गंभीर रूप से घायलों से सकुशल रेस्क्यू कर उपचार के लिए 108 के माध्यम से कोटद्वार अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। शिवपुरी से मुनकी रेती की ओर आते हुए गंगा में राफ्टिंग के दौरान अलग अलग राफ्ट में बैठे 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा था कि बीच गंगा में राफ्टिंग करते हुए कुछ लोग एक दूसरे पर राफ्टिंग के चप्पू चलाते हुए दिखाई दिए, एक दूसरे पर जानलेवा हमला करते हुए भी नजर वो आए। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। मुनकी रेती थाने के इंस्पेक्टर रितेश शाह ने बताया कि वायरल वीडियो का मामला संज्ञान में आया है। बीच गंगा में इस प्रकार की हरकत होना गलत है। फिलहाल घटना की कोई शिकायत पुलिस के पास नहीं पहुंची है। वहीं आगरा न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जहां 6 लाख से अधिक वाद चिन्हित किए गए। हर बैंक के विवादों को हल करने के लिए काउंटर लगाए गए हैं। सुबह से ही राष्ट्रीय लोक अदालत मामले में को लेकर भीड़ लगी रही। जिला जज विवेक संगल ने प्रत्येक काउंटर पर जाकर अधिक से अधिक वाद निस्तारण के लिए दिशा निर्देश दिए। प्रत्येक काउंटर पर जिला जज विवेक संगल का स्वागत किया गया। देखिए, प्रत्येक त्रैमास में हमारे जो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है की ओर से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है। और जैसा मैंने पिछली बार भी बताया था, लोक अदालत में बहुत भारी मात्रा में मुकदमों का निस्तारण किया जाता है और जो सबसे बड़ा लाभ है वो ये है कि इस निर्णय की कोई अपील नहीं होती, तो जो पक्षकारों के बीच जो विवाद है वो अंतिम रूप से निस्तारित हो जाता है और
इसमें जो सिविल के मुकदमे हैं जिसमें भारी कोर्ट फीस लगती है, अगर लोक अदालत के माध्यम से निस्तारण होता है ऐसे मुकदमे का। वहीं श्रावस्ती में अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग विशेष परिवर्तन अभियान चला रहा है। डीएम नेहा प्रकाश के निर्देश पर अभियान चलाया जा रहा है। भिंगा क्षेत्र के उल्हवा जंगल में आबकारी टीम ने छापेमारी की। छापेमारी में 50 लीटर अवैध शराब 4.5 क्विंटल लहन बरामद किया गया है। आबकारी टीम ने शराब को जब्त कर लहन को नष्ट कराया। अवैध कारोबार में शामिल तीन पर आबकारी अधिनियम में मामला दर्ज किया गया है। लाया जा रहा है। आज दिनांक 21 मई को सुबह आबकारी निरीक्षक उमा शंकर चौधरी द्वारा भयापुरवा जंगल एवं उल्लावा में दबिश दी गई, जिसमें 50 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई तथा 450 किलोग्राम लहन को नष्ट किया गया। वहीं बिजनौर में अज्ञात चोरों ने निजी नलकूप कोठरी में धावा बोल दिया। चोरों ने किसान के नलकूप की कोठरी से स्टार्टर और केबल मोटर पंखा सामान चोरी करके ले गए। चौकी के पास चोरी कर चोर पुलिस को चुनौती देते हुए भी नजर आ रहे हैं। 3 महीने पहले भी किसान के खेत से चोर बैंड पंखा, स्टार्टर केबल और अन्य सामान की चोरी हो चुकी थी, जिसका पुलिस अब तक कुछ पता नहीं लगा पाई है। जो मामला है, क्या मामला है आपके यहाँ? स्टार्टर पंखे पहले भी चले गए और अब भी 3-4 बार पहले चले गए, अभी स्टार्टर पंखे अभी चले गए, वही स्टार्टर। तो पहले अभी आपके जब चोरी हुई थी आपने थाने में दी थी? जी, इत्तला दी थी। वहीं हरदोई में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर एक बुजुर्ग को सांप ने काट लिया तो बुजुर्ग ने दोनों सांपों को पकड़ लिया और फिर डिब्बे में बंद कर उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंच गए। जिला अस्पताल में डॉक्टर ने देखा तो हैरान रह गए। चिकित्सक ने उसको भर्ती करके इलाज शुरू कर दिया है। वासित नगर से श्री चंद सन ऑफ रामविलास, 65 साल इनकी उम्र है। उन्होंने जैसा उनके साथ वाले सांप काटे हुए लिया है और सांप को डिब्बे में बंद करके लाए हैं। अभी उनके एसबी टेस्टिंग और प्राथमिक उपचार करके ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। वहीं सहारनपुर के बेहट में नवनियुक्त जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने कलसिया स्थित गौ आश्रय स्थल और गौ संरक्षण केंद्र का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान व्यवस्थाएं देखकर खुश होकर गौ आश्रय स्थल पर तैनात कर्मचारियों को पुरस्कृत कर प्रोत्साहित किया। उसके बाद वो सिद्धिपीठ माँ शाकुंभरी देवी मंदिर पहुंचकर माथा टेका और मन्नत मांगी। ललितपुर की ताल बेहट के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों और स्टाफ नर्स की लापरवाही उस समय देखने को मिली जब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ताल बेहट में ग्रामीण क्षेत्र से गर्भवती महिला प्रसव कराने के लिए आई। वहां मौजूद स्टाफ नर्स रीता सिंह ने प्रसूता के परिजन से अवैध 10,000 रुपये की मांग की, जिसके चलते गर्भवती महिला के परिजनों द्वारा स्टाफ नर्स को 10,000 रुपये की धनराशि देने के बाद भी प्रसूता का उचित समय पर इलाज नहीं किया जा सका, जिसके चलते प्रसूता की मौत हो गई। बताते चले कि पीड़ित परिवार ने तलबेहटा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अपनी गर्भवती महिला की भर्ती करवाया था, मगर सरकारी अस्पताल में कोई भी डॉक्टर उस समय मौजूद नहीं था, जिसके कारण गर्भवती महिला के परिजनों ने डॉक्टरों पर भी लापरवाही का आरोप लगाया है। साथ ही घटना हुई कि मेरी पत्नी के यहाँ डिलीवरी होनी थी। मैं सुबह 5:30 बजे अस्पताल तालबेट जिला सरकारी अस्पताल में लेके आया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, जहाँ पे मेरी पत्नी के यहाँ उनने 10,000 रुपये पहले मेरे से मना किया कि आपके यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी।
तो मैंने हमारे एवं हमारे परिवारजनों ने प्रार्थना करने के बावजूद उन्होंने बोला कि 10,000 रुपये लगेंगे। मैंने 10,000 रुपये दिए। किसने मांगे 10,000 रुपये? रीता सिंह जी ने, मैडम थी रीता सिंह जी, जिन्होंने हमारी डिलीवरी की। लड़का हुआ हमारे यहाँ वही लगभग 6:30-7 बजे के बीच में। पत्नी का क्या नाम है आपकी? पत्नी का नाम है श्रीमती रश्मि। वहीं हरदोई में गैस सिलेंडर में लीकेज से भीषण आग लग गई। आग चाय टपरी की दुकान पर सिलेंडर लीकेज होने से लगी। आग की लपटें देखकर आसपास दुकानदारों में खलबली मच गई। मौके पर मौजूद लोगों ने अपने घरों से पानी चलाकर आग को बुझाया। आग से बगल वाले इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में रखा सामान जलकर राख हो गया। दुकानदारों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दोनों दुकानों में आग लगने से लगभग 60,000 रुपये का नुकसान हुआ है। मेरा नाम मोहित है। मैं सुबह सुबह आया था अपनी दुकान पे, तैयारी कर रहा था सिलेंडर लगाते ही नीचे सिलेंडर होने की वजह से आग लग गई और लगभग 20,000 रुपये का नुकसान हमारा हो गया। हम शिवप्रकाश है, बगल में एक मोहित श्रीवास्तव बाबा बवाली चाय बनाता है। इसने सुबह सुबह अपनी चाय की दुकान खोली थी, उसने अपने सिलेंडर को जैसे ही खोला और लाइटर लगाया, सिलेंडर में एकदम से बहुत तेज से आग लगी। वहीं बाराबंकी में वन विभाग की टीम को मितई नहर पुल से गांधीनगर पुल के बीच लोगों द्वारा 2 डॉल्फिन देखे जाने की सूचना मिली, जिस पर वन विभाग द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद एक नर डॉल्फिन को पकड़ा गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वन विभाग की टीम डॉल्फिन मछली को किस तरह से पकड़कर डॉल्फिन मछली को घाघरा में सुरक्षित स्थान पर ले जा रही है। बचे हुए एक डॉल्फिन को रात होने के कारण रेस्क्यू नहीं किया गया। वहीं सहारनपुर में बिजली ट्रांसफार्मर बदलने की एवज में जेई पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने आज तहसील बेहट में आयोजित तहसील दिवस में प्रदर्शन कर अपना रोष जताया। बेहट तहसील में आयोजित तहसील दिवस में शिकायत लेकर पहुंचे सडौली कदीम के ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के जेई पर ट्रांसफार्मर बदलने की एवज में रिश्वत मांगने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया। ग्रामीणों ने तहसील दिवस में अधिकारियों को शिकायत पत्र सौंपते हुए कहा कि गांव में विद्युत भार अधिक होने के कारण अधिकांश समय ट्रांसफार्मर फूक जाता है, जिस कारण ग्रामीणों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों का आरोप है कि जेई के तरफ से विद्युत ट्रांसफार्मर बदलने के लिए रिश्वत मांगी जाती है। ग्रामीणों ने मांग करते हुए कहा है कि गर्मी के मौसम में आमजन को हो रही दिक्कतों को देखते हुए शीघ्र ही विद्युत ट्रांसफार्मर बदला जाए और दोषी के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।